भाई साहब तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार, सॉरी मेगा स्टार चिरंजीवी की नई मूवी आ रही है और वो इस बार हिंदी में भी रिलीज होगी, जिसका नाम है भाई गॉडफादर। और इसमें हिंदी ऑडियंस के लिए एक सरप्राइज पैकेज है, इसमें सलमान खान का भी रोल है, उसका टीजर आया है, आज उसके बारे में बात करते हैं। हाँ यार, आप मूवी रिव्यू के लिए एक सही जगह पर आए हो, क्योंकि यहाँ पर आपका दोस्त ना तो आपका काटेगा और ना ही ज्ञान बांटेगा। तो यार स्वागत है आपका इस चैनल में जिसका नाम है हेटिया शेट। यार चिरंजीवी बहुत बड़े स्टार हैं, साउथ फिल्म इंडस्ट्री के नहीं बल्कि इंडियन सिनेमा के, क्योंकि उन्होंने हिंदी में काफी मूवीज की हैं और वो बड़ी हिट रही हैं। अगर तुमने उनकी और भी कोई मूवी देखी हो या ना देखी हो, भाई हिंदी में डब मूवी तुमने इंदिरा द टाइगर तो जरूर देखी होगी, किसी ना किसी चैनल पर आती रहती थी और भाई मुझे जब भी दिख जाती थी मैं तो जरूर देखता था। वो मूवी भाई जबरदस्त है। उनकी भाई नई मूवी आ रही है जिसका टीजर आया है, जिसका नाम है गॉडफादर। और भाई साहब मूवी का टीजर बड़ा दमदार है, मतलब पूरा हीरोइक लुक दिखाया है, जैसा वो दिखाते हैं भाई अपने मेगा स्टार को, जैसे वो रिप्रेजेंट करते हैं, वो अलग ही लेवल का होता है साउथ इंडियन मूवीज में, तुम्हें पता ही है। भाई साहब एकदम जबरदस्त उनका रॉब दिखाया है, तगड़ा रॉब दिखा रखा है, और भाई वो कईयों को शूट वूट कर रहे हैं। यार उनकी एंट्री इतनी स्वैग से दिखाई है ना भाई, शुरू के सीन में ही दिखाया कि वो शूट करते हैं दो बंदों को इकट्ठे और फिर एक शूट करते हैं विलन के ऊपर बैठ के, मतलब एकदम स्टाइलिश हीरो। मूवी के टीजर से लग रहा है कि भाई ये पॉलिटिकल बेस कुछ एक्शन ड्रामा मूवी होगी, और भाई इसमें जो नयनतारा मुझे लग रहा है अगेंस्ट में होंगी उनके चिरंजीवी के, और भाई उनके सपोर्ट में दिखाए गए हैं सलमान खान का भी कुछ रोल है, उनके किसी छोटे भाई का या किसी दोस्त का रोल कर रहे हैं, और भाई सलमान खान का डायलॉग है कि अपने छोटे भाई को कभी भी याद कर लेना, तो भाई वो बोल रहे हैं चिरंजीवी वेट करो मेरे ऑर्डर का, मैं तुम्हें बुलाऊंगा। तो भाई साहब इसमें पता लग रहा है कि सीधा सीधा था कि सलमान खान का हो सकता है कि थोड़ा सा छोटा ही रोल हो, या फिर अगर होगा तो साइड कैरेक्टर ही होगा, मुझे लग रहा है गेस्ट अपीयरेंस टाइप होगी। खैर कुछ भी हो, ये एक अच्छी पब्लिसिटी स्टंट भी हो सकता है और एक अच्छी मार्केटिंग स्ट्रेटजी भी हो सकती है, क्योंकि अगर तुम्हें नॉर्थ इंडिया में कोई आप मूवी चलानी है, वहां अपने पैर जमाने हैं, तो तुम्हें यहां का कोई स्टार जरूर लेना चाहिए, ये अच्छी स्ट्रेटजी है। और ये मेरे ख्याल से सलमान खान के लिए भी अच्छी बात है कि वो एक चिरंजीवी की आड़ में आ जाएंगे, जो भी साउथ इंडियन मूवीज आजकल बॉलीवुड से ज्यादा देखी जा रही है, तो भाई ये उनके लिए भी मेरे ख्याल से करियर के लिए ठीक ठाक होगा। देखते हैं यार ये किसकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी किसके लिए ज्यादा काम करेगी, वो तो वक्त बताएगा। खैर ये टीजर मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग लग रहा है, मुझे लग रहा है कि मूवी आएगी तो भाई साहब धमाल मचा सकती है। खैर तुमने टीजर देखा तो तुम्हें कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को यार लाइक करो, शेयर करो और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो।